सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और डेफिनेटली आएगा भी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बताएं कि मैं वही कॉन्सेप्ट्स आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वही हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जहां पर डायरेक्टली आपको, आपसे कौन एसोसिएटेड होगा? जहां पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट होगा। राइट, टीचर सेंट्रिक, टीचर सेंटर्ड या फिर सेंट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पे टीचर ज्यादा चीजों को आइडेंटिफाई करती हैं और टीचर ही फैक्ट्स को, रूल्स को, एक्शन सीक्वेंसिंग को प्रोवाइड करती हैं। टीचर के बिना आप कोई भी टीचिंग पॉसिबल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स टीचर का जो रोल होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू स्टूडेंट, टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, लाइक लेक्चर्स प्रोवाइड करना, कोलैबोरेशन, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिसेस, फीडबैक, ये सारा कुछ टीचर ही आपको प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स लर्नर सेंटर, जहां पर लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। रिफ्लेक्सिव लर्निंग, रिफ्लेक्सिव जो हमने पढ़ा था वो क्या था? रिफ्लेक्सिव था ना। रिफ्लेक्सिव लर्निंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो लर्नर होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी कंटेंट उनको प्रीवियस में मिला है या फिर उन्होंने कोई भी कंटेंट उन्होंने समझा है तो उसी को, उसी कंटेंट को यूज करते हैं जो प्रेजेंट लर्निंग में होगा। ठीक है, तो ऑल मतलब ऑलरेडी जो उन्होंने प्रीवियस रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट्स को टीचर के थ्रू। ठीक है, तो अब उसी कॉन्सेप्ट को हर एक स्टूडेंट अपने अपने लाइफ में यूज करते हैं, तो वही है। दैट मींस इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट मेथड, आप सभी को पता है प्रोजेक्ट मेथड रिफ्लेक्सिव हो गया। तो प्रोजेक्ट मेथड, जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ऑफकोर्स ज्यादा होगा। टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है, दैट्स ऑल। बाकी का जो काम रहेगा वो सारा का सारा रहेगा स्टूडेंट का। सो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ आ गई है। टीचर यहाँ पर फैसिलिटेटर है, दैट्स इट। टीचर का इन्वॉल्वमेंट एज अ फैसिलिटेटर है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे टीचर को कोऑपरेट कर सकती हैं, ठीक है, हेल्प कर सकती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हैं, और बाकी का सारा काम स्टूडेंट का ही होता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का। तो उसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ में लेकर आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग? इनडायरेक्ट लर्निंग को कौन सा टीचिंग मेथड एनकरेज करता है? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर को फाइंड आउट करो कि क्या हो सकता है। लर्निंग विद द एग्जाम्पल्स, टीम टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ सब्जेक्ट, और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। सो व्हाट यू थिंक, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर इनडायरेक्ट टीचिंग की बात कर रही है, की जा रही है। इनडायरेक्ट टीचिंग इज व्हाट? इनडायरेक्ट टीचिंग वो होता है जब टीचर, जब स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड में टीम प्रोजेक्ट हो गया, दैट मींस कोलैबोरेटिव। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात अगर मैं करती हूँ तो इनमें से पूछा है लर्नर सेंट्रिक अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, मतलब इनडायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होती है? स्वयं, कंप्यूटर एडेड, मोक, ठीक है, क्विजेस या फिर बस सेशन। तो लर्नर सेंटर ऑफकोर्स यहाँ पर स्वयं होगा और मूक होगा। ठीक है, स्वयं और मूक इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर आंसर आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आप सभी को यहाँ पे अनअकैडमी रिजॉल्व का जो यहाँ पे इनिशिएटिव है ये आप सभी को विजिबल हो रहा होगा। नया साल आपके सामने है, नया रिजोल्यूशन आप सभी ने सेट कर लिया होगा, गोल भी आपका सबने सेट कर लिया होगा, सबका अपना अपना गोल होगा इस साल का। सो इसी के लिए NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आप सभी को 23% प्रोवाइड कर रही है, और आपके पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑफर है क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑफर है अभी तक का इस पूरे लाइक साल का, और इसके बाद कोई इस तरीके का ऑफर नहीं आ सकता। ठीक है, ऑफर्स तो आते हैं बट ये बेस्ट है क्योंकि 23
परसेंट ऑफ आपको यहाँ पर मिल रहा है, सबसे ज्यादा ऑफ मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस आप ले सकते हो, रिकॉर्डेड सेशंस आप ले सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं बाय द टॉप एडुकेटर्स, आपको स्ट्रक्चर बैचेस मिल जाते हैं, PYQs, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। देखो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है गाइस, 21 दिसंबर सॉरी फेब्रवरी से आपके एग्जाम शुरू हैं, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर कंटेंट नहीं होगा, थ्योरी नहीं होगी, आप लोग के पास मॉक टेस्ट, आप लोग इधर उधर से फाइंड आउट करोगे, तो बेटर है कि आप लोग यहाँ पर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो और यहाँ पर सारे के सारे चीजें आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, और आप उसमें फिर पढ़ पाओगे। सो रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो, दैट इज PKNET। PKNET क्या है? PKNET रेफरल कोड है, आप इसको यूज करके 23% 23% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपके लिए हम लोग समझते हैं कि की बिहेवियर क्या होता है। की बिहेवियर, अभी हमने बात की थी टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक। की बिहेवियर का काम होता, की बिहेवियर इज रिलेटेड टू टीचर बेस्ड। ठीक है, टीचर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक जहां पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, तो आप सबसे इजीली इसको लर्न कर सकते हो, जिसको आप लाइट्स बोलते हो, LITES शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर जो L का मतलब है वो लेसन क्लैरिटी, आप सभी को पता है टीचर हमेशा लेसन क्लैरिटी प्रोवाइड करती है सभी लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, लेसन क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आई है उसमें आई स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन वेराइटी। इंस्ट्रक्शन वेराइटी दैट मीन्स आप बॉडी पॉस्चर्स बोल सकते हो, मटेरियल्स बोल सकते हो, एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजीज का यूज करना हो रहा है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन वेराइटीज हो गई। नेक्स्ट इज टी, टी स्टैंड फॉर टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर आप सभी को टास्क देती हैं सो दैट आप उस चीज को हैंडल कर पाओ और उसमें इन्वॉल्व हो पाओ। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ऑब्वियसली इंगेजमेंट तो रहेगा ही रहेगा टीचर का, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गाइडेंस टीचर को देना होता है और वो इंगेज रहती है पूरे लर्निंग प्रोसेस में। एंड यहाँ पर जो एस है, एस स्टैंड फॉर इज स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट का किस तरीके का सक्सेस है, कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट बेस्ट कर रहे हैं, वो टीचर का इन्वॉल्वमेंट या फिर की बिहेवियर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ हेल्पिंग की, हेल्पिंग इज टोटली रिलेटेड टू स्टूडेंट बेस्ड, स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, स्टूडेंट बेस्ड या फिर हम बोल सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये पॉइंट्स है ये क्या है, दैट इज यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट का आइडियाज और कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम ले सकते हैं, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, सेकेंड। हाँ जी गाइस, सो फो लैपटॉप का चार्जर चार फो सॉरी लैपटॉप चार्ज नहीं था तो मैं चार्जर लगा रही थी। अभी हम बात करते हैं हेल्पिंग बिहेवियर की। तो हेल्पिंग बिहेवियर में हम लोग समझ रहे थे स्टूडेंट सेंट्रिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्या होता है, राइट? आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करना, स्टूडेंट के आइडियाज और कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रक्चरिंग, जो भी लर्नर ने या स्टूडेंट ने लर्न किया है उसी के बेस पे वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज लेसन को समराइज करते हैं, या जो भी उन्होंने समझा है उसको एडवांस लेवल पे समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन पुटअप होते हैं, राइट? बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ये सब होते हैं। प्रोबिंग, प्रोबिंग क्या होता है? प्रोबिंग एक ऐसा एक्टिविटी होता है जहां पर स्टूडेंट क्वेश्चन पुटअप करते हैं टीचर से, सो दैट वो अपने पॉइंट को डिस्कवर कर पाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी एक क्लास चल रही है और किसी भी स्टूडेंट ने खड़े होके एक क्वेश्चन पूछ लिया टीचर से रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, वो रेलिवेंट होना चाहिए, तो रेलिवेंट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो दिस इज नोन एज प्रूविंग, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइप। और ये आपका
नेगेटिव में भी जाता है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इन बिटवीन टीचर ने अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कराया, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को पुटअप करना शुरू कर देते हैं। पहले वो टॉपिक कंप्लीट हो, उसके बाद वो आप लोग क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोबिंग करते हैं। प्रोबिंग मीन्स कि उसी समय वो क्वेश्चन को पूछना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लास का जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा लैक कर जाता है, क्योंकि देखो जो कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रही है फिर वो भूल जाएंगी। तो इसीलिए ये कभी कभी सम टाइम इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। वैसे ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर मैं क्लास एनवायरमेंट के लिए बारे में बात करूँ तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो एनवायरमेंट है वो लैक हो जाता है, ठीक है, जो लर्निंग है वो लैक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है टीचर इफेक्ट। टीचर का क्या इफेक्ट है, लाइक बॉडी पॉस्चर्स, आई कांटेक्ट, किस तरीके से उनका एक इंथुजियास्टिक अप्रोच है, ठीक है, और गेस्चर्स है, बॉडी पॉस्चर्स है, ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं टीचिंग में। तो आई होप कि आपको हेल्पिंग बिहेवियर भी समझ आ गया है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी पॉइंट आए आप कर पाओगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं इसी से रिलेटेड। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग। तो कौन सा बेसिक रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव टीचिंग का? इफेक्टिव टीचिंग, टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन। क्या ये कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, फॉर्मल होता है? इफेक्टिव टीचिंग एम्स इंटेल्स द एबिलिटी टू डेवलप द रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज फोर्थ ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे टीचिंग इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन पे डिपेंड कर रही है, हमेशा फॉर्मल नहीं होता है टीचिंग, और थर्ड वन इज आपका जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज अ की बिहेवियर इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग एज अ एविडेंट फ्रॉम द रिसर्चर। तो आपको क्या लगता है कि जो की बिहेवियर होगा वो कौन सा होगा? की बिहेवियर मतलब टीचिंग, टीचर सेंटर, स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो स्टूडेंट बेस्ड था। स्ट्रक्चरिंग भी आपका स्टूडेंट बेस्ड था, ठीक है, दैट मीन्स हेल्पिंग, इसको हम हेल्पिंग बोल सकते हैं, इसको भी हम हेल्पिंग बोल सकते हैं, हेल्पिंग है ये भी। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, याद है टीचर टास्क ओरिएंटेशन कौन करेगा, तो टीचर सेंट्रिक ही हो गया ना ये तो। तो आंसर यहाँ पर आ गया आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने भी पढ़ा था टीचर टास्क ओरिएंटेशन लाइट्स वाले टॉपिक में, टी में, राइट, तो इसीलिए आंसर वहां पे आ गया हमारा ये वाला, राइट। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं गाइस, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। एंड क्विक मैंने सिर्फ 10 मिनट की क्लास ली, और इसमें मैंने आपको की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर कंप्लीटली बता दिया, एज वेल एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बता दिया। सो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू ऑल, बाय।